to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an IFite. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFite. Yes, I am an IFite. Design your future. देखिए, सबसे पहली बात फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर तो हम लोग पिछले विगत 15 वर्षों से बहुत से काम कर ही रहे हैं, आप जैसा देखते आ रहे हैं। इस वर्ष से हम लोगों ने कुछ डिफरेंट वर्कशॉप्स का भी आयोजन किया है और इन वर्कशॉप्स के अंदर हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, जैसे फैशन हुआ, फैशन के साथ साथ मेकअप हुआ, मेकअप के साथ साथ आपका इंटीरियर हुआ, इंटीरियर के अलावा आपका हैंडमेड आइटम्स हुए, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोगों ने एक मेकअप वर्कशॉप रखा जिसमें स्किन ट्रीटमेंट के ऊपर एक्सपर्ट आकर के अपने टिप्स दे रहे हैं। जैसा कि समर का टाइम है, हर किसी को स्किन ट्रीटमेंट का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन प्रोडक्ट्स में आप यूज़ करने से कई बार वो आपके लिए गलत भी साबित होते हैं, तो आज उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रियंका मैम आई हुई हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और वो बताएंगे कि किस तरीके से आप स्किन केयर कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग बेसिकली वी वर गिविंग अ फ्यू ब्यूटी एंड स्किन केयर टिप्स स्पेशली फॉर समर एंड इन जनरल। बच्चों को या एट अ ग्रोइंग एज बहुत सारे एप्रिहेंशन रहते हैं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहते हैं, तो उनको ब्रेक करके वी वर ट्राइंग टू गिव देम सम नॉलेज अबाउट स्किन इन जनरल, कि स्किन कैसे, हाउ इज इट एज अ ऑर्गन एंड हाउ डज इट रिएक्ट विद वेरियस चेंजेस इन टेम्परेचर। सो that were few tips that we were giving them on beauty also, ki beauty is not just external, it has to be internal, you have to be healthy, make sure that the skin is absolutely healthy so that you get the best looking rejuvenated youthful looking skin। हमें बताया जा रहा है जो हमारी स्किन टोन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से ब्यूटी लेनी चाहिए, कौन कौन से हमें प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नॉर्मल हो। केमिकल प्रोडक्ट्स कम यूज करने चाहिए क्योंकि वो हमारे स्किन टोन के लिए अच्छे नहीं होते, इन समझ हमें कौन से प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने चाहिए कौन से कम अकॉर्डिंग टू अवर स्किन टाइप। हम लोगों को ये बताया गया किस तरीके से नेचुरली और किस तरीके से हम समर में अपनी स्किन का केयर कर सकते हैं, विंटर में कैसे केयर कर सकते हैं, समर में क्या क्या चीजें खानी चाहिए या फिर क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन हेल्दी रह सके, और विंटर में कैसे यूज करने चाहिए, और किस तरीके से हम अपनी एजिंग जो है वो स्लो कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं जिससे कि हम अच्छे दिख सकें और कैसे हम हेल्दी रह सकें। यहाँ पर हमें अपनी स्किन को केयर करने के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि हमें अपनी स्किन को क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए और सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए, और ये जो क्या कहते हैं एजिंग है, एजिंग प्रोसेस है, तो उसके लिए बताया गया है कि हमें एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, और लेज़र के बारे में भी बता रहे हैं कि जैसे वैक्सिंग करानी पड़ती है तो उसके लिए परमानेंट लेज़र सॉल्यूशंस भी हैं, तो आपको बार बार वो नहीं कराना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किस तरह से ब्यूटीफुल दिख सकते हैं, किस तरह से अपने को मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में वर्कशॉप। यहाँ पर हमको ब्यूटी केयर टिप्स बताई जा रही हैं कि हम अपनी ब्यूटी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, वो सब बताया जा रहा है। हमारी पर्सनैलिटी को शेप के लिए, हमारे लिप्स, आईज, सबको मतलब मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ब्यूटी टिप्स दी जा रही हैं, और स्किन केयर के लिए और डाइट चार्ट हमको ये सब बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? मैम आई हुई है, प्रियंका मैम।